उत्तर प्रदेश के झांसी में बीते दिनों हुई जबरदस्त बारिश ने एक गरीब महिला के आशियाने को उजाड़ कर रख दिया। इसके घर की छत तहस नहस हो गई। हालात यह हो गए कि घर में रखा सामान तो खराब हुआ ही, साथ में लेटने बैठने की व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। किसी तरह पन्नी ढककर अपनी ज़िंदगी गुजर कर रही इस महिला के बारे में जब संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरागुरी को जानकारी हुई तो वह पहुंचे। आप देख सकते हैं कि घर की हालत क्या है। पूरी तरह से छत जमीन पर बिखर गई है, घर का रखा सामान पूरी तरह से गीला है, रहने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं है जिसमें सूखी जगह बैठकर रहा जा सके। छत पूरी तरह से चरमरा कर नीचे आ गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर संदीप सरावगी अपने साथियों के साथ विनीता नामक महिला के घर पहुंचे और उन्होंने पूरे हालात को देखा तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने तत्काल महिला के घर की छत का निर्माण कराया। ये देख सकते संदीप सरावगी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने महिला के घर की छत का निर्माण ही नहीं कराया, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान महिला ने संदीप सरावगी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। आइए हम सुनाते हैं कि संदीप सरावगी ने इस बारे में मार्केट संवाद से बातचीत में क्या जानकारी दी और क्या कहा। हम तो ऊंचा गेट है बाहर, है ना, ऊंचा गेट बाहर है, ये मताई है, माँ है, क्योंकि हमारे एसएम टावर ऑफिस में आई हुई थी और बरसात में छत गिर गई थी जिससे ना बैठने की व्यवस्था थी और ना लेटने की व्यवस्था थी। माँ हमें ऑफिस में आई तो माँ माँ होती है, हम इनके लिए पुत्र हैं और यही सोचते हुए माँ ने बताया गया है हमारे यहाँ चूँकि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है और हम बहुत परेशानी में है बेटा। किसी और ने आपको नाम बताया था हमारा आने के लिए? हाँ, किसी लड़की द्वारा इन्हें बताया गया था कि भैया के पास जाओ, वो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो जो सुरक्षा डल गई थी, आज अपनी माँ से अपने परिवार से मिलने के लिए हम इधर पे आए हुए हैं। हमने कहा चलो माँ का आशीर्वाद भी लिया और माँ से पूछे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, वो संतुष्ट हैं और खुश हैं, बस यही देखने के लिए आज हम लोग घर तक आए थे। कोई परेशानी नहीं बेटा, हमें कोई परेशानी, तुम लोग सब तरक्की उठाओ स्टाफ। जब आप किसी का भला करते हैं तो ये बात एक दूसरे के मुख से एक दूसरे के पास तक पहुंच जाती है। माउथ सर्विस से बड़ी कोई सर्विस नहीं है। और माँ हो, बहन हो, हमारा परिवार बुंदेलखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान, सच्चाई ये है कि हम जैसे बहुत से लोग हैं उन तक आदमी नहीं पहुँच पाता है। मैं तो एक बहुत छोटा सा समाज सेवी हूँ। हमारे यहाँ के जो अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो लोग भी समाज सेवा करते हैं। और माता रानी करे कि जितने भी लोग इस दुनिया में, माता रानी का आशीर्वाद है या उनके ऊपर प्रताप है, तो वो इतना जरूर करें कि दूसरों के किसी तरह काम में आए, क्योंकि इससे बड़ा सुख कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। आज यह देखने के लिए कि छत डली है माँ के व्यवहार पर और भी चीज़ों के लिए, हमारे ग्वालियर से भाई साहब भी आए हुए हैं, पाल साहब भी आए हुए हैं, तोमर जी हैं, आप भाई साहब भी डबरा से आए हुए हैं, पालिया जी जरा पार्टी अध्यक्ष भी हैं। तो क्या है कि जब किसी की सच्ची मानव सेवा होती है तो हर इंसान सुखी होता है। जैसे माँ सुखी है, हम सुखी हैं, हम बेटे के रूप में सुखी हैं, वो माँ के रूप में सुखी हैं। हमारे लोग जो दूसरों की सेवा करने में इंटरेस्ट लेते हैं वो इस बात से सुखी हैं कि वास्तविकता में एक नेक और सच्चा काम संघर्ष सेवा समिति की तरफ से, डॉक्टर संदीप सराव की तरफ से, उनकी टीम द्वारा सबको अपना परिवार बनाते हुए जितना हो पड़ता है, क्योंकि मैं कोई फंड तो लेता नहीं हूँ कहीं से, क्योंकि अपनी जितनी औकात है भगवान ने दी है उतना मैं करने का हमेशा प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। सर, आप माँ के बेटा बनकर आंसू पोंछने आए हुए हैं और माँ के लिए क्या कहेंगे आप, और ये अनुभव कैसा रहा? हर माँ, हर बहन, क्या होता है जब आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर ये सोचते हैं हमारी खुद की माँ है, अगर हम इसी के पुत्र होते और ये हमसे कहते कि बेटा हम पानी भीग रहे तो क्या हम सही नहीं कराते? बेटा हमारे पुत्र हो, बेटा सब तुम हमारे बेटा। आज इसके उससे जो बात निकल रही है, इनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, हमारे लिए इनका आशीर्वाद बहुत है। अभी थोड़ी देर पहले सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए, खुश रहो, बहुत है हमारे लिए। इसी तरह की प्रेरणा से जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रेरित हो, हम लोग एक दूसरे का सहारा बने, हमारा भारत बस आगे बढ़े। माननीय मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोग जो चाहते हैं वास्तविकता में एक सशक्त राष्ट्र बनाना, भारत वर्ष को सबसे ऊंचाइयों पर ले जाना, वो तभी संभव है जब आम जनता खुल के उनका साथ दे।